नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। कंटेनर में बेडशीट की जगह अमेरिका भेजी गई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1,92,00,000 माल बरामद किया। चोरी के 2 मामले का किया नारकोली पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट। जनगणमंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज ही के दिन नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी के शानदार मार्केट में गणतंत्र दिवस मनाया गया। राष्ट्रवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। भिवंडी के कई सारे नगर सेवक मौजूद थे। भिवंडी की राष्ट्रवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष स्वाति कामले भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद फारूकी, मलिक भाई, अहमद भाई और मतलूब सरदार, कई सारे नगर सेवक इस गणतंत्र दिवस पर मौजूद थे और गणतंत्र दिवस पर झंडा लहराकर सलामी देकर बाद में एक सभा का आयोजन किया। और इस सभा का आयोजन करते हुए संबोधित किया नेताओं ने और उसके बाद में पद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजन किया। आइए देखते हैं एसटीएस टाइम्स की एक रिपोर्ट। थाने का प्रेसिडेंट है और नेशनल कोच है, एशियन रेफरी है और डायरेक्टर आप। थाने का प्रेसिडेंट है और नेशनल कोच है, एशियन रेफरी है और डायरेक्टर आप। इस दरमियान हमारे बीच हमारे दोस्त आमिर साहब और अनिल वर्मा तशरीफ। गणतंत्र दिवस की मौके पर मैं सारे देशवासियों को अपने तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, हमारे कॉर्पोरेटर और हमारे जितने लोग राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है सबकी तरफ से पूरे देश को मुबारकबाद देता हूँ। ठीक, जिस तरह से आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, संविधान की पहल जो हुई थी हमारे देश में आज ही के दिन हुई थी, उसके बारे में क्या कहना है? 1950 में पहली बार 26 जनवरी मनाई गई। 1949 में हमारे देश में संविधान बनाया गया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 8 दिन लगे इस संविधान को बनाने के लिए, और वो लागू हुआ 1950 में। जब से पूरा हिंदुस्तान इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूम से एक अपने त्यौहार की तरह हर जातिवादी के लोग मनाते हैं, और मैं पूरे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को, अपने खास भिवंडी शहरवासियों को मुबारकबाद देता हूं, और मैं आने वाले हर 26 जनवरी को सभी से निवेदन करता हूं कि बढ़ चढ़ के हमको झंडे की सलामी देना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो आज फितूर फैला हुआ है, जो अफवाहें फैली हुई है कि हमारा देश कौन से कोने की तरफ जा रहा है, हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, ऐसा एक मैसेज पूरे देश में चलना चाहिए। लेकिन आज भाजपा की सरकार है वो सिर्फ देश को बांटने का काम किया है, और जो अन्नदाता हमारे किसान भाई हैं आज पिछले 2 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनका कोई भी आवाज़ वहाँ तक नहीं सुनी जा रही है, बहरी हो गई, गूंगी हो गई है। ऐसी सरकार के खिलाफ हमको पूरे देशवासियों को साथ में रह के लड़ना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर एक बार मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवाद, पूरे होश और उल्लास के साथ। हाँ,
आज गणतंत्र दिवस के मौके पर हम पूरे देशवासियों और खासकर घूमने वालों को अपनी ओर से अपने कांग्रेस ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने अठारह नगर सेवक की तरफ से मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जैसा आपने आरिफ भाई ने बड़े तफसील से अपनी तकरीर में बताया कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है, आज किसान जो हमारी रीढ़ की हड्डी है आज वो 61-62 दिन से अपने 100 कुछ लोगों की जाने चली गई, लेकिन ये गूंगी भरी बीजेपी की सरकार जो नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एकदम खोखला दावा है, जो अपने देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है वो क्या पूरे देश को चलाएगा। ऐसे में भाजपा सरकार को निषेध करता हूँ आज गणतंत्र दिवस के मौके पर, और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम इंशाल्लाह भिवंडी के अंदर और पूरे देश में भिवंडी के अंदर खासतौर से हम राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले 2022 में इंशाल्लाह हम लोग महापौर बनाएंगे। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी ने दी, आपका क्या कहना है? सभी ने आपको अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आज की इसी के मौके पर सबको बधाई देना चाहता हूँ, खासकर हमारी भिवंडी को और विशेष जो 18 नगर सेवक हमारी पार्टी के अंदर में शामिल हुए मैं इनको भी आपके माध्यम से बधाई देता हूँ।